नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार उठापटक जारी है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर एक शर्त रखी है। क्या है वो शर्त, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जौनपुर पहुंचकर पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंका। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस बार भी उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, हालांकि पार्टी की सीटों पर विस्तार की मांग रहेगी। वहीं उन्होंने दूसरी ओर मढ़ियाओं से अपना दल की विधायक लीना तिवारी को फिर विधायक बनाने की अपील की है। दरअसल अनुप्रिया पटेल मढ़ियाओं विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंची थी। इसी दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, ओमिक्रॉन भी पांव पसार रहा है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि लोग एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और कोविड नियमों का पालन करें। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हर दल गठबंधन में सीटों का विस्तार चाहता है। अपना दल एस की भी यूपी चुनाव में सीटों के विस्तार की बातचीत चल रही है। जैसे ही सीटों की संख्या का फैसला होगा बता दिया जाएगा। अपना दल एस के 3 चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा है, चौथा चुनाव भी गठबंधन में रहकर लड़ेंगे। उन्होंने सीट की संख्या पर कोई भी टिप्पणी न करते हुए कहा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, सब कुछ सामने होगा। भाजपा से हमारी बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। कहा कि पीएम देश की धरोहर हैं, वे किसी भी राजनीतिक दल के नहीं होते, वे देश के होते हैं। उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है वह बेहद निंदनीय है। मुझे इस बात का दुख है कि लोकतंत्र की भावना इतनी कमजोर हो गई है कि हम देश के प्रधानमंत्री के पद का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी में है। इसी बीच अपना दल ने यह साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और अपना दल का गठबंधन साथ मिलकर क्या गोल खिलाएगा और इस सांझगांठ से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।